आज के न्यूज। तो सबसे पहला हमारा जो न्यूज है वो चंद्रयान 2 से है, और वो न्यूज है कि विक्रम लैंडर को ऑर्बिटर ने देख लिया है। उसका कनेक्शन तो लॉस्ट हो चुका है, पर उसको ऑर्बिटर ने देख लिया है मून की सरफेस पर। पर अभी तक कोई भी सिग्नल या कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश नहीं हो पाई है ऑर्बिटर और लैंडर के बीच में। इसरो अपना बेस्ट ट्राई कर रही है कम्युनिकेशन के लिए ऑर्बिटर के द्वारा लैंडर से। ओके, तो नेक्स्ट न्यूज हमारी है मर्क्यूरी से। मर्क्यूरी जो कि हमारे सोलर सिस्टम का प्लेनेट है, तो ऐसा पाया गया है कि मर्क्यूरी के मैग्नेटिक पोल जो है वो भी अर्थ की तरह ही ड्रिफ्ट करता है, और अर्थ के ऊपर जो है मैग्नेटिक पोल से वो बहुत ज्यादा ड्रिफ्ट करते हैं कि आज के जमाने में टुडे वो मैग्नेटिक नॉर्थ पोल जो है वो 965 किलोमीटर जियोग्राफिक नॉर्थ पोल से दूर है। और यही सेम ड्रिफ्टिंग मर्क्यूरी पे भी होती है, रिसर्च बताती है। और मर्क्यूरी जो है वो स्पेस क्राफ्ट के लिए बहुत टफ प्लेस है विजिट करने के लिए, क्योंकि सन के ग्रेविटेशनल पुल के कारण। एंड आज तक सिर्फ 2 स्पेस क्राफ्ट ही वहां तक जा पाए है, जो कि है मैसेंजर और मैरिनर 10। नेक्स्ट हमारी जो न्यूज़ है वो है एक ब्लैक होल के बारे में जो हिडन था आज तक। तो ब्लैक होल के आसपास क्या होता है, एक डिस्क होती है, वो डेंस क्लाउड ऑफ गैस से बनती है। तो ये जो डिस्क बनती है वो अर्ली ग्रोथ पीरियड में से बनती है, और दिस जो ये डिस्क होती है वो क्वेसार की लाइट हमारे हमें देखने से उसको रोकती है। तो जिसको क्वेसार का मतलब पता नहीं है वो मैं आपको बता देता हूँ कि एक्सट्रीमली वो बहुत ही ल्यूमिनस, एक्सट्रीमली ल्यूमिनस सेंटर होता है जिसके अंदर सुपर मैसिव ब्लैक होल होता है, और उसके आजू बाजू एक गैस की डिस्क होती है। तो अब क्वेश्चन आ रहा होगा कि ये ब्लैक होल फाउंड कैसे हुआ, अगर हम उसको देख नहीं पाते, वो गैस जो है वो उसको छुपा देता है, तो हम उसको देख कैसे पाए। तो क्वेश्चन है कि लार्ज अमाउंट ऑफ रेडिएशन केम फ्रॉम अ स्मॉल, वेरी स्मॉल रीजन अराउंड ब्लैक होल। बहुत ही स्मॉल रीजन में से लार्ज अमाउंट ऑफ रेडिएशन आया, तो हमें पता चला कि ब्लैक होल जैसा कुछ होगा उस गैस के पीछे, क्लाउड ऑफ गैस के पीछे। नेक्स्ट न्यूज हमारी आती है एक वियर्ड एक्सरे पैटर्न के बारे में, जो कि स्टार सिस्टम मैक्सी जे 1621501 से आई है ये पैटर्न। तो ये जो सिस्टम है वो 9th अक्टूबर 2017 को फाउंड की गई थी, और ये जो सिस्टम है वो 16,300 लाइट ईयर्स अवे है हमारे अर्थ से। और साइंटिस्ट के मुताबिक ये जो वियर्ड एक्सरे पैटर्न है वो या तो एक न्यूट्रॉन स्टार से हो सकती है या तो एक ब्लैक होल से हो सकती है। तो हमारी नेक्स्ट न्यूज आती है एक स्टेप के बारे में, बहुत ही बड़ा स्टेप है, ऐसे तो स्मॉल स्टेप है पर बड़ा है, देखिए आप ही देख लीजिए क्या न्यूज है। फ्यूचर स्पेस कॉलोनाइजेशन के लिए ये स्टेप है, और ये स्टेप है कि एस्ट्रोनॉट्स ने स्पेस में पहली बार सीमेंट बनाई है। सीमेंट तो उन्होंने क्या किया कि वाटर के साथ ट्राई कैल्शियम सिलिकेट को मिक्स किया। जो ट्राई कैल्शियम सिलिकेट होता है वो मेन कंटेंट होता है सीमेंट्स का जो अर्थ पर यूज होती है। और ये पाया गया कि जो स्पेस में जो सीमेंट बनी गई, अगर उसको हम अर्थ की सीमेंट के साथ कंपेयर करें तो वो बहुत ज़्यादा पोरस थी, मतलब उसके अंदर बहुत ज़्यादा छेद थे, बहुत ज़्यादा पोरस थी, उसकी डेंसिटी बहुत ज़्यादा कम थी। नेक्स्ट जो हमारी न्यूज़ है वो आती है कॉमेट्स से। तो ऐसा नई रिसर्च में पाया गया कि सारे के सारे कॉमेट्स कॉमन ओरिजिन से बनते हैं और हमारी सोलर सिस्टम में आते हैं। ये पाया गया, रिसर्च की गई है बाय साइंटिस्ट क्रिश्चियन इस्ट्रप, और उन्होंने क्या किया कि जो केमिकल मॉडल्स थे बहुत सारे, उनको जो 14 वेल नोन कॉमेट्स है उन पर अप्लाई किया, और उन्होंने पाया कि सारे मॉडल पर
सारे कॉमेट्स पर एक ही मॉडल अप्लाई हो रहा था और सबके ऊपर सेम पैटर्न ही मिली। हमारी नेक्स्ट न्यूज आती है लाइफ के राइज से, मतलब ये न्यूज पिछली न्यूज से ही कनेक्टेड है कॉमेट वाली न्यूज से। तो उसमें पाया गया कि कॉमेट के ऊपर जो केमिस्ट्री होती है वो प्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स के लिए होती है। ऑब्वियसली उधर कॉमेट्स पर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स का प्रोडक्शन होता है, ये तो ऑब्वियस सी बात है। और वो बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लाइफ भी हो सकते हैं, जैसे कि नाइट्रोजन और वगैरह। तो इस तरफ के मुताबिक, इफ द राइट कॉमेट हिट्स द राइट प्लेनेट विथ द राइट एनवायरनमेंट, लाइफ कुड स्टार्ट ग्रोइंग, ये इस तरफ ने कंक्लूड किया। तो हमारी नेक्स्ट न्यूज आती है जुपिटर से। जुपिटर एक और हमारा सोलर सिस्टम का प्लेनेट। तो जुपिटर की इमेजेस ली गई ज्यूस के द्वारा, जो कि ईसा का एक स्पेसक्राफ्ट है, जो कि जून 2022 में लॉन्च के लिए बनाया जा रहा है। और ये इमेजेस ऑब्वियसली अर्थ से है, और जिसको पता नहीं है ईएसए का मतलब क्या होता है तो मैं आपको बता देता हूँ, यूरोपियन स्पेस एजेंसी। और ज्यूस का फुल फॉर्म है जुपिटर आईसी मून्स एक्सप्लोरर। और ज्यूस का लॉन्च का शेड्यूल मैंने बता दिया आपको, जून 2022 में है। और अब हम बात कर लेते हैं बिब्लियोग्राफी की, मैंने ये सब न्यूज़ कहाँ से ली। तो सबसे पहले यूनिवर्स टुडे, स्पेस डॉट कॉम, जी न्यूज, phys.org एंड देन कार्निवल ऑफ स्पेस 627। अब जिन लोगों को पता नहीं है कार्निवल ऑफ स्पेस क्या होता है, उनके लिए मैं बता देता हूँ कि वो हर वीक को एक डिफरेंट ब्लॉगर एक कार्निवल को होस्ट करता है और वो आर्टिकल्स को पब्लिश करता है इन द ऑन द टॉपिक ऑफ स्पेस। तो ये मेरा साइड शो खत्म हो गया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, और कमेंट भी कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे चैनल को, वो सबसे इम्पोर्टेंट बात है।